हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज 6.4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th। इसमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है हमें, ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर लिया है। तो इसमें इसके डायगनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, डी। ठीक है, तो इफ ए बी इक्वल टू 2CD। ठीक है, तो ये दे रखा है हमें, ए बी इक्वल टू 2CD, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। AOB ये O पॉइंट है, इसको यहाँ पे O पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारा ये हो जाएगा O। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, ए ओ बी ट्राइंगल और सी ओ डी में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमारे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, अपोजिट अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ पे एंगल 3 जो एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी अल्टरनेट एंगल है। नेक्स्ट एंगल 5 जो है वो क्या होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा। तो ये क्या है, अपोजिट है, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं तीनों एंगल कैसे हैं, सेम है। तो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी बाई ए ए ए सिमिलरिटी। ठीक है, ये आ गया। अब हम लिखेंगे यहां पर, एज वी नो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देन द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ देयर एरियाज आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंगल्स का रेशियो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। इसके हमें एक साइड में रिलेशन गिवेन है हमें। ठीक है, तो वही लेंगे यहाँ पर। ये क्या है, ए बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी डी का स्क्वायर। एज वी नो ए बी इक्वल टू क्या है, 2CD। ए बी इक्वल टू 2CD, तो AB की जगह अगर हम 2CD पुट करेंगे तो ये हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, 4CD स्क्वायर डिवाइड बाय CD स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये रेशियो आएगा हमारे पास 4:1। ठीक है, सो रेशियो इज 4:1। दिस इज द आंसर फॉर दिस।